अक्सर आपने पिक्चरों में कई बार ये देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस किसी भी बेगुनाह को फंसाने के लिए गलत तरीके से सबूत प्लान करती है। अब ऐसा ही एक वाकया मुंबई के कलीना इलाके से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को फंसाने के लिए खार पुलिस स्टेशन के 4 अधिकारी कलीना पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जिस व्यक्ति को फंसाना होता है उसकी पूर्ण तरीके से जांच की जाती है। जब मौका मिलता है अधिकारी को तो अधिकारी उस व्यक्ति के पिछले पॉकेट में 20 ग्राम ड्रग्स ले लेता है और उसके बाद उसको कहता है कि आपके पॉकेट से 20 ग्राम ड्रग्स मिली है और ये एक ऑफेंस है और इसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता है। मगर जो 4 अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी लेने पहुंचते थे वो इस बात से बेखबर थे कि वे इस जगह पर CCTV कैमरा लगाया गया है और CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो जाती है, जिसके बाद जो व्यक्ति होता है जिसकी जेब में ये ड्रग्स प्लांट किया गया था उसको छोड़ दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन 4 अधिकारियों ने इस तरीके की हरकत क्यों गई और इसके पीछे क्या कारण है। इस मामले में जो विक्टिम था उसको बरी कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, बट उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी व्यक्ति को, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अक्सर फिल्मों में देखी गई हैं, मगर जब रियल लाइफ में इस तरीके का वाक्या सामने आता है तो वे बहुत डराने वाला होता है और सवाल ये उठाता है कि क्या इन जैसी जगहों पर और क्या जब किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या फिर कोई अधिकारी आके उसको डराता है और उसको फंसाने की कोशिश करता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस धामा NDTV इंडिया के लिए।